जय हिंद, एक बार फिर स्वागत। आज का वीडियो काफ़ी दमदार होने वाला बता दें। अगर आप बीएससी में हैं, अगर आप बीएससी सेकंड ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोग, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। इसका सेकंड वीडियो, इसके पहले मैं पहला इस पर वन शॉट बना चुका हूँ, जो कि फर्स्ट यूनिट के लिए था, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनाइज फर्स्ट सेल ऑर्गेनाइज सेकेंड। जी हाँ, तो यूनिट टू है नई शिक्षा नीति के तहत। बिल्कुल हर एक नई शिक्षा नीति के तहत हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है सिलेबस अप्लाई हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको पढ़ के आप इस चैप्टर से कम पूरा 10 से 15 से 20 नंबर तक कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो MCQ हो चाहे रिटेन हो, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं साइटोस्केलेटन फंक्शन, सीलिया फ्लैजेला, द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETC ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ग्लाइकोलाइसिस जो कि पूरा जो इसमें 10 स्टेप का प्रोसेस किस प्रकार से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सब होता है प्रोसेस, सब आपको बिल्कुल स्मूथ तरीके से बिल्कुल इजीली वे में मैं समझाऊंगा और काफ़ी ईजीएस्ट आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख के जाएंगे, तब उसके बाद आप लाइक और सब्सक्राइब उसके बाद ही करिएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिस्टम्स, माइक्रोबॉडीज एंड ग्लाइकोक्सीसोम्स एंड राइबोसोम्स, आपको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल हिंदी में तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरी लैंग्वेज आप सुन पा रहे होंगे तो हिंदी लैंग्वेज है, ना कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। लाइक दैट व्हाट आई वैन से दिस इज नॉट, बट मैं हमेशा हिंदी में बोलने का प्रयास करूँगा, इसलिए आपको यह जो है वीडियो काफ़ी बढ़िया समझ में आएगा। यह वीडियो आप अंत तक अगर देखते हैं तो इसमें आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इजीली आपके माइंड में फिट कर दिया जाएगा। बिल्कुल आप एग्जाम में जाके बिल्कुल MCQ होगा तो टिक मारेंगे, और लिखित होगा तो पूरा लिख कर आएंगे पूरा। तो आपको पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन में को दिखाई दे रहा होगा। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज साइटोस्केलेटन एंड इट्स फंक्शन। आप साइटोस्केलेटन ये जो बुक, अगर आप कोई भी बुक खोलेंगे या फिर कोई भी सैंपल पेपर खोलेंगे, सबसे पहला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनाइज सेकंड में आपको सबसे पहला टॉपिक देखने को क्या मिलेगा, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, भाई है क्या, इसका फंक्शन क्या है। साइटोस्केलेटन क्या है, वो स्ट्रक्चर है, वो संरचना है जो हेल्प करता है सेल को उसके सेफ एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में। आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इनेबल सेल्स टू कैरी आवर इनिशियल फंक्शंस एंड लाइक अ डिवीजन एंड मोमेंट। देयर इज नो सिंगल साइटोस्केलेटल कंपोनेंट। अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। साइटोस्केलेटन एक संरचना है जो कि मदद करता है उसके सेप और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने में, मतलब आंतरिक उसके संरचना को मेंटेन करने में, उसके संरचना को मतलब नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करता है साइटोस्केलेटन। इसका यही सबसे बड़ा इसका जो फंक्शन है, जिसको हम बोल सकते हैं कार्य है इसका, ठीक है। और इनिशियली फंक्शन करता है डिवीजन एंड मोमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और इसमें कोई भी सिंगल साइटोस्केलेटल कंपोनेंट नहीं होता है। तो ये हो गया साइटोस्केलेटल की बात। अगर इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल स्क्रीन पे अगली टॉपिक आपको दिखाई दे रही है, जो कि साइटोस्केलेटन से ही जुड़ी हुई है। अगर आपको साइटोस्केलेटन समझ आएगा तो काफ़ी अच्छी बात, अगर नहीं समझ आएगा तो आगे आपको समझ में जरूर आएगा। आपको बता दें, सबसे पहले साइटोस्केलेटन 3 प्रकार होते हैं, इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक्स मतलब कि जो डेवलप्स टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स आ गए, हम लोग यूकैरियोटिक्स में आते हैं, ठीक है, जो डेवलप होते हैं। इसमें थ्री टाइप के होते हैं साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोटिब्यूल्स। तो साइटोस्केलेटन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड फोर्थ है माइक्रोटिब्यूल्स। आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब जो पॉइंट इसमें दिखा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप नोट भी कर सकते हैं इसलिए। तो 3 प्रकार आपको देखे जाएंगे, पहला माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। माइक्रोटिब्यूल्स को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मोनोमर से यूनिट से मिलकर बना है, और वहीं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि थोड़ा सा और कोलाइड हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा और इसका चौड़ा संरचना हो चुका है। फिर माइक्रोटिब्यूल्स में और ज़्यादा क्यूबॉइडल शेप का हो चुका है, आप देख सकते हैं आप लोग इसका 6 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर से 25 नैनोमीटर किस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर्स में मतलब बिल्कुल काफ़ी बदलाव आता है। पहले देख सकते हैं आप किस प्रकार से मोनोमर्स यूनिट एक दूसरे से बिल्कुल एक्टिन के फॉर्म में अरेंज है, दूसरे के एग्जाम्पल कीरेटिन है, तीसरे एग्जाम्पल प्रोटोफिलामेंट्स है। तो ये आपको स्ट्रक्चर से अगर नहीं समझे तो अभी भी आपको समझने का प्रयास यहाँ से करें। डिफिनेशन अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन, और सिंपल डिफिनेशन, ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट एंड माइक्रोटिब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म दैट कंट्रोल सेल शेप, मेंटेन्स इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वॉल्व इन सेल मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिफिनेशन बता चुका हूँ कि उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और सिंपल लेक्चरिंग अगर आपको, तो मॉड्यूलेटिंग द शेप ऑफ सेल्स, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इंटरग्रिटी, इनेबल मूवमेंट सेल, फैसिलिटिंग द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सुपर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स, वेसिकल्स एंड इवन ऑर्गेनेल्स। मतलब कि यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि सबसे मेन फंक्शन होता है रिजिडिटी ऑफ बॉडी को कंट्रोल करना, मतलब बॉडी के नेटवर्किंग को कंट्रोल करना सबसे काफ़ी मेन
कार्य होता है इसका आप लोग, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं इसलिए यहाँ पे दिखाया गया आपको यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर का, आप स्क्रीन शॉट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यूनिट सो गाइस अगर टू आप से भी काफ़ी चाहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट भी टॉपिक। फ्यूचर में काफ़ी बिल्कुल ब्राइट रहें, बिल्कुल इस स्क्रीन की तरह डार्क ना हो जाए आपका फ्यूचर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स से लेके MSc, BPharma, DPharma, आपके हर एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियो आपको लगातार मिलता रहता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे व्हाइट स्क्रीन पर, वरना आपका भी फ्यूचर हो जाएगा ब्लैक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर सो करें आई होप आपको फटाफट। इसके पहले का साइटोस्केलेटन टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आपको दो स्क्रीन पे दो महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सिलेबस से देखने को मिल रहा होगा, सीलिया एंड फ्लैजेला। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो वीडियो कहीं पर पॉज करें और कमेंट करें, इसके बारे में जरूर जानकारी हमें बताएं, तो मैं आपको इसके बारे में काफ़ी बेहतरीन जानकारी दूंगा। तो आपको बता दें सबसे पहले सीलिया एंड फ्लैजेला, आप इसकी स्ट्रक्चर को देखिए और यहाँ से आपको कोई कंपेरिजन देखने को मिल रहा होगा जरूर, अगर आप समझ पा रहे होंगे स्ट्रक्चर को देख कर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आपको हम बता दें सीलिया जो कि अनकाउंटेड, मतलब कि इसको काउंट नहीं किया जाता, अनकाउंटेड नंबर में होता है, मतलब जो गिना नहीं जा सकता उस संख्या में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें फ्लैजेला की तो जो है कि एक संख्या, मतलब कि यूनी यूनी नंबर में प्रेजेंट होता है, हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में। काफ़ी आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सीलिया एंड फ्लैजेला को लेकर। अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण डिफिनेशन को लेकर, तो जैसा कि आप हमारे वॉइस को नोट कर सकते हैं, जी हाँ, द मोमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजेला इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम और साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म यानी कि जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, फर्स्ट में पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। द सेलर कंपोनेंट लाइक गॉल्जी कॉम्प्लेक्स एंड द मेंबर डू नॉट जनरेट द मोटिलिटी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। द मोमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजेला इज जनरेटेड बाई माइक्रोटिब्यूल्स एज ब्रोकन पीस ऑफ सीलिया आल्सो एक्सिबिट मोमेंट। इट हैज़ आल्सो बीन सजेस्टेड दैट द टू सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल्स ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेला ट्रांसमिट एक्सिटेशन एंड पेरीफेरल फिब्रिल्स ऑफ सीट ऑफ स्प्लिटिंग ATP टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोमेंट। तो यहाँ पे आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा था, आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड बोला हूँ, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हमारे बातों को हिंदी में समझिए। ATP मतलब होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो जो सीलिया एंड फ्लैजेला होता है ये मोमेंट करते हैं हमारे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में, मोस्टली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव टाइप, यानी कि जो हमारे सूक्ष्मजीवी एनिमल होते हैं उसमें ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, फ्लैजेला और सीलिया की बात किया जा रहा है, इसकी हम कुछ जो समानताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी एनर्जी के लिए ATP का कुछ आवश्यकता होता है, ATP को ही एक प्रकार से हम एनर्जी कहते हैं, जो कि यूज़ होता है इनके जो है मूवमेंट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। सो आई होप आपको सीलिया एंड फ्लैजेला बिल्कुल क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस डिफिनेशन को आप गौर फरमाइए, हमारे वॉइस को गौर फरमाइए। जी हाँ, सीलिया एंड फ्लैजेला आर सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली, मतलब कि संरचनात्मक सिमिलर बट डिफरेंट इन द लेंथ एंड फंक्शंस। सीलिया आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म सच एज़ पैरामीशियम व्हाइल फ्लैजेला कैन बी फाउंड इन बैक्टीरिया एंड स्पर्म सेल्स। सीलिया आर शॉर्टर एंड न्यूमरस देन फ्लैजेला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीलिया काफ़ी ज़्यादा नंबरिंग में प्रेजेंट होते हैं कंपेयर देन फ्लैजेला, मतलब फ्लैजेला काफ़ी कम प्रेजेंट होते हैं और सीलिया काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया का एग्जांपल दिया हुआ है पैरामीशियम, वहीं अगर फ्लैजेला की एग्जांपल बात करें तो बैक्टीरिया एंड स्पर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल डिफिनेशन था, जो आई होप आपको यहाँ से सीलिया एंड फ्लैजेला को काफ़ी क्लियरेंस मिला होगा। तो हम चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर। अगली टॉपिक है आपकी माइटोकांड्रिया, आप तो इसका नाम बचपन से सुने होंगे, हमको लगता है 6th क्लास से माइटोकांड्रिया का नाम कई बार लिया जाता है क्लासों में। तो आपकी स्क्रीन पर आपका नया डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ड्रॉ करने के लिए बता दूंगा, आप उस इजली वे से ड्रा कर सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि वीडियो को पॉज करें यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि यह स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक आप समझदार होंगे तो ज़रूर समझ गए होंगे कि ये कुछ प्रकार से चप्पल, जिस प्रकार से हम पहनते हैं फैशन वाला चप्पल, कुछ इस प्रकार से देखता है। आप इस प्रकार से इसको याद करके उसका माइटोकांड्रिया को कभी भूलेंगे ही नहीं अगर आप चप्पल से याद करें। जी हाँ, आपको इसके स्ट्रक्चर को याद करने का ट्रिक मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको आप चप्पल से अगर याद करेंगे तो आपको कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें माइटोकांड्रिया की स्ट्रक्चर की, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोकांड्रिया आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो आप पहले इसके जो है डिस्कवरी भी ना जाइए, मैं आपको डिस्कवरी भी इसका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है और क्यों प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि माइटोकांड्रिया आप जो देख रहे हैं, जी हाँ, जो माइटोकांड्रिया आप देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर में सबसे एक बाहरी मेंबर होता है जिसको मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन।
जैसे आप देख पा रहे होंगे आउटर मेम्ब्रेन कहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं। इसके बाद मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी का भी पिक्चर अपने बुक से आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा दूंगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद होता है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन की जस्ट बाद होता है इनर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन के बाद होता है मैट्रिक्स, जो कि कुछ डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। मैं इसके भी स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, ध्यान से हमारी स्ट्रक्चर की बातों को सुने, क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर का कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स तीसरी लेयर है जो कि साइटोप्लाज्म की तरह होती है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। फिर उसके बाद जो एक क्रिस्टी होता है जो कि बिल्कुल कांटे की तरह होता है, छोटे छोटे क्रिस्टी प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टी। आप देख सकते हैं फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर बना है जो कि ऊपर नीचे है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। फिर उसके बाद एक ग्रेन्यूल्स भी आपको दिखाया गया, राइबोसोम्स भी दिखाया गया, मैट्रिक्स भी दिखाया है, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं एटीपी के फॉर्मेशन में यानी कि एनर्जी के निर्माण में। तो एटीपी सिंथेसिस का भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एटीपी मतलब आप एनर्जी मान सकते हैं एक कॉमन जनरल टर्म में। फिर उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा ग्रेन्यूल्स करके, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार से भोजन देने का कार्य करता है। ग्रेन्यूल्स बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन है। आपको यहाँ पर डीएनए भी दिखाई दे रहा होगा जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो आप अभी तक तो कुछ कॉमन वे में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं थोड़े से इसके स्ट्रक्चर के और ब्रीफ में चलते हैं एंड इसके फंक्शन को भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे आप एक बुक के कट को देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक बुक के कट को लगाने का प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम अगर सिंगुलर यानी कि अगर एक वचन में हम कहें तो इसे माइटोकॉन्ड्रियान कहते हैं, जो कि किस में पाया जाता है, आपके यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स जो हमारे डेवलप टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी में ये हायर एनिमल्स के नहीं प्रेजेंट होते, और हायर एनिमल्स का बेहतरीन एग्जांपल ह्यूमन से अच्छा कोई नहीं माना जा सकता। इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसा कि आप बचपन से सुनते होंगे कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या आप इसके बारे में भी जानते हैं? तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप जरूर सुनिए इसे। इट सिंथेसिस द प्रोवाइड्स केमिकल एनर्जी एटीपी टू द सेल्स, मतलब जिस प्रकार से हमें भोजन चाहिए एनर्जी के लिए, उस प्रकार से अगर हम बात करें हम लोग या फिर कुछ लोअर प्रोकैरियोट्स या फिर कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में भी, ये हम जब भोजन लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्ले करता है। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पावर हाउस क्या करता है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट या फिर पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करता है। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के प्रोडक्शन में पूरी तरीके से काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, मतलब लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज स्ट्रक्चर एंड कैन बी सीन बाई लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाया जा सकता है, जो कि ये भी आपके सिलेबस में है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडीज सो दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन टू मेंबर एंड टू चैम्बर, आउटर मेंबर एंड इनर मेंबर, जिसको हम आपको स्ट्रक्चर बताते समय मैंने आपको जिक्र किया। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर मेंब्रेन एंड इनर मेंब्रेन, तो सबका अलग अलग अपना फंक्शन होता है। इनर मेंब्रेन के अंदर ही सब कुछ प्रेजेंट होता है, आपका मैट्रिक्स या फोन पार्टिकल जो है काफ़ी ज़्यादा पेपर में कई बार पूछा जाता है, सब यूनिट्स ऑफ फर्नांडिस मोरान भी जिसको हम कहते हैं, या फोन पार्टिकल। आपको मैं प्रेजेंट किया हूँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियॉन्स, मतलब ये और ही जूमेटिक, मतलब इसको जूम करके और भी लाइट माइक्रोस्कोप से लाया गया स्ट्रक्चर को, इसको आप देखिए तब फिर आपको यहाँ पे कई पॉइंट्स आपके ईजिली यहाँ पे देखने से ही क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका किस प्रकार से बिल्कुल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, फिर इनर स्ट्रक्चर आपका होता है। फिर उसके बाद से इसमें आपका मैट्रिक्स, जो कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर इनसाइड दी साइटोप्लाज्म जो ग्रेन्यूल्स की तरह इनसाइड दी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, क्रिस्टी जो कि अभी मैंने आपको बताया कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी भी प्रेजेंट रहता है। अगर उसके बाद और आगे चलें तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि डीएनए भी आपका प्रेजेंट होता है, कुछ क्वाइल्ड इस प्रकार से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डीएनए का भी, और इसमें आप एक प्रकार देख सकते हैं F1 पार्टिकल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल एक कह सकते हैं क्रिस्टी के अंदर एक ग्रेन्यूल स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, जो जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैंने कुछ प्रेजेंट किया है F1 पार्टिकल और सब यूनिट ऑफ फर्नांडिस मोरान, जिसको भी कहा जाता है सब यूनिट ऑफ फर्नांडिस मोरान।
द मैट्रिक साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द क्रिस्टी रिमेन कवर्ड विद स्फेरिकल पार्टिकल 90 डिग्री इन डायमीटर। जो स्फेरिकल पार्टिकल होता है वो कवर्ड रहता है मैट्रिक्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं कि वो 90 डिग्री डायमीटर होता है। उसको पार्टिकल को पहली बार फर्नांडिस मोरान नामक साइंटिस्ट ने देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर बार एमसीक्यू यहाँ से पूछा जाता है। 1962 में देखा था पहली बार, कौन देखा था, फर्नांडिस मोरान देखे थे। क्या चीज़ देखे थे, अपन पार्टिकल इनसाइड द मैट्रिक्स के ऊपर जो प्रेजेंट। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको एफ1 पार्टिकल एंड फर्नांडिस मोरान कौन थे, इन्होंने कब डिस्कवरी किया एफ1 पार्टिकल, इसके बारे में आपको कुछ क्लियरेंस मिल चुका होगा। तो अब हम चलेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग काफ़ी देर से सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, तो जी हाँ, आपको हिस्ट्री भी कराऊंगा और उससे क्या क्या मेन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, आपको लगभग 6-7 पॉइंट लिखा हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हो माइटोकांड्रिया वेयर डिस्कवर फर्स्ट टाइम इन द सेल्स इन 1840, ये तो ये सही बात है क्योंकि माइटोकांड्रिया जो है वो डिस्कवर्ड किया गया था पहली बार इन सेल में, सेल के अंदर ही डिस्कवर्ड किया गया। जैसे आपको पता होगा कि सेल के अंदर ही सब कुछ प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप लोग सेकेंड यूनिट आपका नाम ये सेल ऑर्गेनेल सेकेंड है, आपको जैसा पता होगा आपके सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकेंड यूनिट का नाम है। तो इस प्रकार से सेल ऑर्गेनेल्स ही है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप जानते हैं राइबोसोम गॉल्जी बॉडीज, ये सब जो है कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लगभग 8-9 आपको लिखाया गया था पहली यूनिट में, मैंने काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाया हुआ हूँ उसका भी, वन शॉट का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप इसके यूनिट 1 का वन शॉट वीडियो के साथ एमसीक्यू के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन भी इजीली कर पाएंगे। जी हाँ, तो आप जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा आप देख रहे होंगे कि माइटोकांड्रिया सेल में पहली बार डिस्कवर किया गया, जो कि रिचर्ड अल्टमैन थे, जो कि 1894 में डिस्कवर किए थे सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम कहते थे उस टाइम इसको बायो ब्लास्ट्स। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आपका द टर्म माइटोकांड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेल्डा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके माइटोकांड्रिया के हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपका काफ़ी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कि माइटोकांड्रिया का जो डिस्कवरी से रिलेटेड में पूछा जाता है कि क्वाइंट किसके द्वारा किया गया था टर्म माइटोकांड्रिया, तो कार्ल बेल्डा थे, जो कि 1898 कहीं कहीं 97 भी देखने को मिलता है कि माइटोकांड्रिया का टर्म क्वाइंट किया गया था। क्वाइंट मीन्स कि यह टर्म जो माइटोकांड्रिया शब्द की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा की गई थी, कार्ल बेल्डा। तो आपका यहाँ पे तीन पॉइंट में समझिए 3 नंबर के एमसीक्यू लिखे हुए हैं। तो आप चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो फोर्थ पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट वीडियो, तो आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाएं तो आपको एग्जाम में दोबारा किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं हो। और तो हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट आपका है लियोनर माइचेलिस 1900 में डिस्कवर्ड जॉन्स क्रीड एज ए वाइटल स्टेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्टेन मीन्स होता है कि जो उसके रंग डालकर स्टेनिंग करके जिस प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं लैब में, अगर आप ट्वेल्थ में अगर आप लैब गए हों 11th 12th में, तो आप स्टेनिंग किए होंगे वहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है किसी भी फूल पत्ती का स्टेनिंग करके उस पे। सो आई होप आप 4 पॉइंट इजिली क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं पाँचवें पॉइंट की तरफ। पाँचवा पॉइंट आपका है फ्रेडरिच मेव्स 1904 मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ माइटोकांड्रिया इन प्लांट नेम्फी एल्बा। तो जो है आपका इसी प्लांट के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था माइटोकांड्रिया को इनसाइड द प्लांट, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं। जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा वो आपको बिल्कुल एग्जाम में भूल कर नहीं जाना है। चलते हैं सिक्स पॉइंट की तरफ। तो आपका सिक्स पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है क्लेडस रिगार्ड 1908 सजेस्ट दैट दे कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड। जी हाँ, लिपिड एंड प्रोटीन जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर हर जगह में। एंड सेवन पॉइंट इज बेंजन किंग्सबरी 1912 फर्स्ट रिलेटेड देम विथ सेल रेस्पायरेशन एक्सक्लूसिव बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्वेशन। एंड लास्ट वन इज वारबर्ग ओटो हेनरिक वारबर्ग स्टेट द एक्सट्रैक्टेड पार्टिकल्स फ्रॉम गुने पिग लीवर वेयर लिंक्ड टू रेस्पायरेशन कार्ल ग्राना। तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी मैं भी कहूँगा मत याद करो। आपको जो मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा एंड मोस्ट ऑफ द पचवा पॉइंट, इसके अलावा छठवां सातवां आठवां उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ जो आपका सातवां पॉइंट है प्रोटीन एंड लिपिड से बना है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
आप सभी को माइटोकांड्रिया का मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको माइटोकांड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर बताया, फिर उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया, ओरिजिन बताया उसका, कैसे कैसे माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर्स है, एंड एफ1 पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया, फर्नांडिस मोरान के बारे में बताया, फर्नांडिस मोरान कौन थे, किसका डिस्कवरी किए थे, एंड लास्ट मैंने आपको हिस्ट्री देखा था कि आप इसकी हिस्ट्री को भी आसानी से, माइटोकांड्रिया का इतिहास क्या है, अब इजली आप माइटोकांड्रिया की स्ट्रक्चर हर एक चीज़ आई होप पूरा क्लियर हो चुका हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके फंक्शन के बारे में पहले जान लेना होगा, तो हमें अच्छे से ग्लाइकोलिसिस आपको समझ में आएगा, क्योंकि माइटोकांड्रिया के पार्ट है ग्लाइकोलिसिस, तो हमें सबसे पहले माइटोकांड्रिया के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ना होगा, जो कि माइटोकांड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल पहले भी जान चुके हैं। दे सप्लाई 95% ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई दी सेल एंड इट डिफरेंट फंक्शन आर एज अंडर, जैसे आपको पता है कि 90-95% एनर्जी रिक्वायर्ड होता है सेल के द्वारा, जो कि माइटोकांड्रिया के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद इसमें पहला पॉइंट है सेलुलर रिस्पायरेशन, इसी में आपको ग्लाइकोलिसिस टर्म आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के लिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में इसको भी काफ़ी डीप में बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन और द ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय माइटोकांड्रिया। ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस और द फूड, एनर्जी रिच फ्यूल लाइक फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी बाई ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकांड्रिया। सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन 3 स्टेज, जो सेलुलर रिस्पायरेशन वो मोस्टली 3 स्टेज में होता है, जिसमें आपका कुछ एंजाइम की मदद से एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि एंजाइम जो कि एक प्रकार की एंजाइम जो एक प्रकार की प्रोटीन की तरह काम करती है, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर ब्रेक डाउन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद इसमें 3 प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन एंड थर्ड वन इज क्रेब सिट्रिक साइकिल, और जिसको क्रेब ओरिथ्रिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि हर सेल में होता है, हर एक सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है, अगर आउटसाइड माइटोकांड्रिया के बाहर होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, जो कि माइटोकांड्रिया के बाहर होता है, जैसे आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस अगर इन साइटोप्लाज्म नॉट इन माइटोकांड्रिया, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ अपने कॉपी से, आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकांड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये माइटोकांड्रिया के बाहर इधर पे होता है, जहाँ पे पाइरुविक एसिड बनेगा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें दिया हुआ है आपका ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म नॉट इन माइटोकांड्रिया, इट इज एनएरोबिक फेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, इट रीच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रीच एटीपी। तो अभी कैसे कैसे फॉर्म होता है इसका भी आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ बिल्कुल, ये उतना ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट नहीं, थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद ऑक्सीडेशन एक बार देख लीजिए, ऑक्सीडेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ दिख रहा होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर ही होता है आपका जो है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल सब कुछ है, एक बॉडी की एक हर एक छोटी सी प्रोसेस जो कि वो भी सेल होता है। यहाँ पे जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट पाइरुविक एसिड बनता है, जो कि यहीं इसी के बाहर बनता है सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं बनता है, इसी को हम ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा कुछ, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट है वो सब नोट कराते जाऊँगा। फिर ये है यहाँ पे क्रेब सिट्रिक साइकिल, जो कि आपका ऑक्सीडेशन के अंदर ही दूसरा पॉइंट है। क्रेब सिट्रिक साइकिल की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ ए स्टील ग्रुप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन मदद करता है, और वहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है, इसको मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसको समझने में, इसको काफ़ी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस कुछ इस प्रकार से बुक में दिया रहता है कि ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड से एस्टील कोएंजाइम में, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटरिक से सक्सिनिल कोएंजाइम में, सक्सिनेट एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड, एक क्रेब सिट्रिक एसिड साइकिल है। इस साइकिल से पहले ग्लाइकोलिसिस का साइकिल होता है, जो साइकिल मैं आपको अपने कॉपी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको छोटा मोटा इसका ट्रिक भी बताऊंगा, जो आप उसको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को याद कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस कहाँ तक बनता है, इस एक प्रोसेस में होता है, फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस में ये आपका आता है कि इसमें आपका
ये आपका बनता है क्रेब सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सब इनसाइड दी सेल्स होता है। तो वो भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, 10 स्टेप का ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। जैसे आपको बता दें 10 स्टेप में काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स का रोल होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में पढ़ना है तब आप इसको पढ़ सकते हैं बुक से, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लंबा चौड़ा ज़्यादा बताऊंगा नहीं। इसमें आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि सिट्रिक आइसो सिट्रिक अल्फा की डोगुलट्रिक सक्सिनिल सक्सिनिक एसिड अफ्यूमरिक मैलिक ऑक्सेलोस्टिक। और इसमें ये जो देख रहे हैं आप NAD एक प्रकार का एनर्जी है, NAD जो कि NADH+H+ में एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। तो ये ATP का फॉर्मेशन होता है लास्ट में आके, यहाँ पे टोटल 38 ATP बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट प्रोसेस, जो कि मोस्टली थर्ड सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट रहता है आपके थर्ड यूनिट में। उसके बाद अगर हम बात करें आपके फर्स्ट सेमेस्टर की, तो यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 10 स्टेप का प्रोसेस आप जानते हैं, ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम ए से आपका सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सैलोएस्टिक एस्टेट आता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल मिलकर बनाते हैं आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटरेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल से सक्सिनिक फ्यूमरिक मैलिक एंड ऑक्सैलोएस्टिक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर उसके बाद उतना खास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, फिर आगे आप लगातार देखिए वीडियो को। सो आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिस्टम पढ़ने से पहले हमें जान लेना होगा कि हमें रेस्पायरेशन में कितनी ये जो है रेस्पायरेशन में कितना ATP बनता है। तो आपको बता 38 ATP बनता है रेस्पायरेशन में, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं उस प्रोसेस में जो ATP ADP ये देख सकते हैं FADH2 कुल मिला जुला के आपको इतना याद रखना है कि 38 ATP का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल के रेस्पायरेशन में, यानी कि हम जो ह्यूमन बींग हो चाहे जो भी रेस्पायरेशन में कुल मिला के 38 ATP फॉर्मेशन। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिस्टम, द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ DNA, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कुछ अमाउंट में जो है DNA प्रेजेंट रहता है, कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ अमाउंट में DNA प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ये मिट DNA या फिर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, एंड इट मच लार्जर इन प्लांट दैन इन एनिमल, एनिमल के तुलना में प्लांट में लार्ज होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट इन 11 मिलियन डाल्टन मॉलिकुलर वेट, डाल्टन जो कि मॉलिकुलर वेट जैसे हम KG में नापते हैं उसी तरह से जो है स्ट्रक्चर को नापने के लिए डाल्टन में हम मेज़र करते हैं, एक प्रकार के मेजरमेंट यूनिट है या फिर कह सकते हैं इकाई मापक है। उसके बाद हम चलें तो जो है कि 10^-5 टाइम्स स्मॉलर देन साइज ऑफ न्यूक्लियर DNA से काफ़ी छोटा था माइटोकॉन्ड्रियल DNA, क्योंकि भाई ये आपको बता दें कि प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा कि इन मच लार्जर इन प्लांट, प्लांट में ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन देन एनिमल। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन मेनी कॉपी ऑफ DNA एंड मॉलिक्यूल इन दियर मैट्रिक्स, तो जैसे आपको पता होगा कि सभी प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया में DNA की कॉपी प्रेजेंट होता है, उसके मैट्रिक्स में जो लिक्विड होता है, मैट्रिक्स जो लिक्विड पदार्थ होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से लिक्विड रहता है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ऐसे करके, तो ये लिक्विड के अंदर रहते हैं एक प्रकार से लिक्विड, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स इसके अंदर वाले को, और इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसको कहते हैं जो अंदर करता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इधर आए तो हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ DNA रिजेंबल बैक्टीरियल DNA, बैक्टीरियल DNA से बिल्कुल रिजेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, क्योंकि ये मोस्टली हम लोग में एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डू नॉट कंटेन हिस्टोन और हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कंटेन ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल जीन्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA में जो कंटेन होता है वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीन, इसमें जीन जो कि ट्रांसफर होता है जेनेटिक कैरेक्टर के लिए इसमें काफ़ी कम होता है। जैसे आपको पता होगा जीन के बारे में, जीन जो कि जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, एंड नेसेसरी टू प्रोड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल DNA कोड फॉर RNA, जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है RNA के लिए कोड करता है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम में ट्रांसफर RNA एंड फ्यू सब यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम फाउंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दिया ऑल द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है वो सब कोड करती हैं न्यूक्लियर DNA के लिए, ये भी एक प्रकार का DNA का पार्ट है, एंड आर दिस सिंथेसाइज बाई साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, दिस प्रोटीन आर इम्पोर्टेड बाई माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इम्पोर्ट किया जाता है। फिर आगे दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली एंड सेमी कंजर्वेटली इट जेनेटिक कोड इज अ डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियर जेनेटिक कोड, जैसे कि दिया हुआ UGA जो कि कोडान है, जो है आपको पता होगा यूरेसिल ग्वानिन एडिनोसिन इज अ कोडान ऑफ अमीनो एसिड इन ट्रिप्टोफैन इन मेमेरियल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, वाइल इट
इज द यूनिवर्सल स्टॉप कोडान, जो कि स्टॉप कोडान है। आपको पता होगा कि ए यू जी स्टार्टर कोडान है और यू जी ए एक स्टॉप कोडान है, जो कि हम थर्ड सेमेस्टर में ज़्यादा डी में पढ़ेंगे, तो इसको ज़्यादा डी में पढ़ने की जरूरत आ सकता है। थोड़ा सा माइक्रो बॉडीज़ के बारे में जान लेते हैं। अ टर्म माइक्रो बॉडी वाज सेल बायोलॉजिस्ट वाज यूज बाई जो सेल बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो सेल के खोजकर्ता होते हैं, फिर सेल के अध्ययन करने वाले होते हैं, माइक्रो बॉडीज़ का यूज ज़्यादातर करते हैं। बट हम लोग भी माइक्रो बॉडीज़ का यूज अपने सामान्य लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और बताने आगे दिया हुआ है कि डिस्क्राइब स्मॉल सेलुलर कंपोनेंट, जो कि स्मॉल सेलुलर सेलुलर यानी कि स्मॉल छोटे सेल के कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं कोशिका, छोटे कोशिका के कंपोनेंट को ये दिखाता है। एंड नाउ दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर दोज ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन एंजाइम, जो माइक्रो बॉडीज मोस्टली जिसमें एंजाइम्स कंटेन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एंड फ्लेविन ऑक्सीडेज एंड कैटलेज सच माइक्रो बॉडीज आर, ये जो नाम दिए हुए माइक्रो बॉडीज के नाम थी, यही एग्जांपल एक प्रकार से आपके पेपर में पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी। सच माइक्रो बॉडीज आर टिपिकली राउंडेड आर ओवर वाइड स्ट्रक्चर, वाइड मतलब कि राउंडेड मतलब कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है इनका, वाइड मतलब यही ओवल शेप स्ट्रक्चर, हैविंग ए सिंगल सराउंडिंग मेम्ब्रेन, जो कि सिंगल सराउंडिंग मेम्ब्रेन की तरह रहता है। और उसके बाद आगे दिया हुआ है दियर डायमीटर रेंज फ्रॉम, इसके जो डायमीटर का रेंज है ऑफ लगभग 0.5 to 0.5 नैनोमीटर, दे कंटेन एन एमॉर्फस ग्रेन्यूल मैट्रिक्स, जिसमें भी कुछ ग्रेन्यूल मैट्रिक्स कंटेन रहती हैं। उसके बाद आगे दिया है एंड सम क्रिस्टलॉइड इंक्लूजन्स एंड दिस माइक्रो बॉडीज वेरी स्ट्रक्चर साइज फंक्शन एंड द टिश्यू दिस बॉडीज इंक्लूड पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम। तो यहाँ पे माइक्रो बॉडीज का एग्जांपल के तौर पे भी कह सकते हैं पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइसोसोम, इसका तो इतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको रोडिन और डी डुए और इसी को खोजे थे पेरोक्सिसोम्स को, तो इसको इतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर चलते हैं आगे। तो आज के लेक्चर की लास्ट टॉपिक होने वाली काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप नाम देखते हैं राइबोसोम, आपकी स्क्रीन पर इसका डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, राइबोसोम का किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा और अच्छे से आपको राइबोसोम बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो इसका नाम राइबोसोम से एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स जो कि हर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सब में पाया जाता है, और इनसाइड दी सेल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म और माइटोकांड्रिया के अंदर, और कभी कभी साइटोप्लाज्म में, कभी कभी माइटोकांड्रिया में, ठीक है। तो हो गया इसके थोड़े से फंक्शन की बात, हम जान लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के फंक्शन कैसे क्या क्या है। इसमें दो यूनिट होती है, एक ऊपर रेड कलर का है जो उसको लार्जर सब यूनिट बोलते हैं, जो वाइट कलर का उसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। और इसमें एक या मरने के ऊपर इस प्रकार से लगा रहता है, 50S ऊपर होता है, नीचे 30S होता है। उसके बाद इसमें tRNA जुड़ा होता है, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तो अभी इसका स्ट्रक्चर जरूर एक बार ध्यान से पढ़िए। उसके बाद अमीनो एसिड इससे जुड़ा रहता है कुछ इस प्रकार से, नीले कलर से आप देख सकते हैं। उसके बाद राइबोसोम पेप्टाइड चेन जो कि फॉर्म करता है, जो कि आप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल, अ प्रोटीन दैट फॉर्म अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, सिंथेसिस इन सेल, जो कि सेल के अंदर सिंथेसिस होता है। इन 1955 में 1955 में जॉर्ज ई पैलेड डिस्कवर्ड किए थे राइबोसोम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी पिछले बार वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था। और बता दें आपको, डिस्क्राइब्ड द मैस वेलस पार्टिकल इन द साइटोप्लाज्म दैट जो है प्रिफरेंशली एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड, मतलब कि इसका विकास होता है वहीं से, इनसाइड दी सेल पाई जाती हैं। तो राइबोसोम भी आपकी लास्ट टॉपिक थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ मतलब एमसीक्यू बेस्ड भी देखेंगे, और साथ साथ उसके हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, और थ्योरी के क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में डिस्कस करने में वीडियो लगभग एक घंटे ज़्यादा चली जाएगी, तो वीडियो आपका 40 मिनट तक आसपास रहने वाला है, क्योंकि अब लगभग 30 मिनट प्लस हो चुका है वीडियो को, 34 मिनट जैसा। तो इसमें आपको एक अच्छा सा एमसीक्यू करा देंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, यहाँ से आपका 15 से 20 नंबर इस चैप्टर से आपका तैयार हो जाएगा बिल्कुल हर एक स्टेट बोर्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए केवल, और ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुँच सके इस वीडियो को, जो पूरा देख के जाएगा, अगर कम से कम 15 नंबर तो फिक्स है उसका, कहीं नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर राइबोसोम्स के बारे में देखें, और इसके पहले आपने किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस हर एक स्टेप को देखा,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, किस प्रकार से आप लोग बिल्कुल एकदम सेल ऑर्गेनेल्स में तो हमको लगता है परफेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए आज की वीडियो में। फिर अगर आप और कमेंट करेंगे तो आपके लिए और वीडियो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ, लेट्स गो। सो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे अभी, तो ये बता दें क्वेश्चंस काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। आपको अपने से करना है, सब क्वेश्चन को मैं कराऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इन सब क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इन माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा ऑक्सीडेशन क्या है फैट इन माइटोकॉन्ड्रिया बताना है आपका। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ आर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक राइबोसोम, में डिफरेंस बताना है यू एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में। व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ पेरोक्सिसोम इन आवर बॉडी, पेरोक्सिसोम्स का अपने बॉडी में रोल क्या है। व्हाट आर द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड व्हाट आर दियर मेन रोल्स, जैसा कि मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, हाउ डज साइटोस्केलेटन हेल्प इन मोटिलिटी, तो ये आपको क्वेश्चन अपने से करना है सेल्फ। आप गूगल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, या फिर बुक से कहीं से भी, अपने टीचर से कहीं से भी, आप जो ऑफलाइन टीचर जहाँ आपके कॉलेज के वहाँ से पूछ के इन सब क्वेश्चन का एक बार कर लीजिएगा, या आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन भी हैं। तो क्वेश्चन हो गए, आप चलते हैं एमसीक्यू की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। आपको बता दें द स्टेटमेंट इज टू, बट वीडियो आप अगर पूरा देख के जाते हैं तो पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ से इस यूनिट से आपका 15+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। माइक्रो दो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि माइक्रो, इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबलिन, माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट आर रेजिस्टेंस टू जो है कोलीचीन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव वाला सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर फ्लैजला एंड सीलिया यूकैरियोटिक मेड अप। अभी मैं आपको बता के आया हूँ, पीछे आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। तो ट्यूबलिन इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन हेयर एंड नेल इज कंपोज्ड ऑफ, जैसा आपको पता होगा बाल में केराटिन पाया जाता है हमेशा, हर एक प्रचार में भी दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस लाइक साइटोस्केल्टन, साइटोस्केल्टन किस में नहीं है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोट में साइटोस्केल्टन नहीं पाया जाता, जो कि एक लिक्विड की तरह होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था इसके बारे में भी। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ, माइक्रोफिलामेंट किस चीज़ का कंपोज्ड होता है, मोजैक प्रोटीन का, ट्यूबलिन प्रोटीन का, काइटिन प्रोटीन का, एक्टिन प्रोटीन का, तो हो जाएगा एक्टिन प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन, ऑक्सीसोम्स ऑफ F0 टू F1 पार्टिकल, जो F1 पार्टिकल मैंने बनाया था फर्नांडिस मोरान का, टेक प्लेस ऑन क्लोरोप्लास्ट सरफेस, थैलोक्वाइड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल सरफेस, इसका हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर आगे देखिए सातवा क्वेश्चन फटाफट से देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली कन्वोलेटेड टू फॉर्म ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग नोन एज, जो इनफोल्डिंग होता है अभी मैंने आपको बताया कि फोल्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है ग्रेना, थैलोक्वाइड, लैमली, सब अलग अलग चीज़ है, ठीक है। आठवा क्वेश्चन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे हम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहेंगे, B1C1 कॉम्प्लेक्स, NADH डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो आपका NADH डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सही ऑप्शन आपका। फिर आपका नवा क्वेश्चन है, द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन इन यूकैरियोटिक सेल, तो आपको पता है कि अभी अभी मैंने सभी रेस्पायरेशन पढ़ गया हूँ कि इसमें हुआ था माइटोकॉन्ड्रियल में, काफ़ी सारा ग्लाइकोलिसिस से लेके काफ़ी सारा रिएक्शन था, ठीक है। और फिर आगे चलें तो हाउ डू स्मॉल मॉलिक्यूल पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर मैंने आपको फोन में भी दिखाया था बना के, बिल्कुल क्या चप्पल की तरह स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे जो पोरिंस होता है, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र की तरह यही पोरिंस रहता है, जहाँ से कि इनर एंड आउट होता है, इन एंड आउट, ठीक है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनेल्स व्हिच इज यूज्ड फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन एंड ATP सिंथेसिस इन एंटामोबा हिस्टोलिका, हाइड्रोजिनोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, इसका हो जाएगा माइटोसोम्स। बारहवां क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट प्लास्टिड फैमिलीज, मीन्स कौन प्लास्टिड फैमिली है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट सही ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फटाफट से आपका हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता।
तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे हु फर्स्ट डिस्कवर्ड पेरोक्सिसोम्स, अभी मैंने आपको बताया था पेरोक्सिसोम्स को कौन डिस्कवर्ड किया, डुवे, क्रिस्टियन डीवे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पेरोक्सिसोम्स, ये भी मैंने वहाँ पे बताया था जब आपको बता रहा था। माइक्रो बॉडीज 0.1 से 1.0 माइक्रोमीटर। विच सेल इन अवर बॉडी कंटेन एबंडेंट पेरोक्सिसोम्स, लीवर सेल्स, आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट एंजाइम इज यूज्ड टू डिटॉक्सिफाई अल्कोहल इन आवर बॉडी, तो पर ऑक्सीडेज जो होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है अल्कोहल को। 18, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ओनली, प्रोकैरियोटिक ओनली, वायरस ओनली, बॉथ एंड बी, तो ये आप बताइए कमेंट करके इसका ऑप्शन, आपको बताइए 18 वाला कौन सा सही होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हमें देखना है कि आप लोग बता पाते हैं या नहीं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, क्लोरो मीफिनॉल इनहिबिट बैक्टीरियल राइबोसोम, प्लांट राइबोसोम, बॉथ एंड बी, एनिमल राइबोसोम, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, तो पॉली सोम्स आर मल्टीपल यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, लाइजोसोमल एग्रीगेशन अटैचमेंट ऑफ मेनी राइबोसोम्स, कॉमन एमआरएनए अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए अ कॉमन राइबोसोम्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अटैचमेंट ऑफ मेनी राइबोसोम्स टू कॉमन एमआरएनए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर आपके अंदर भी है बताइएगा। ज्ञान का टैलेंट, तो आप आइए विशेष दुबे ज्ञान वाले पे, अपने ज्ञान के टैलेंट को दिखाइए। आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पे आना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, आपको सिंपली कम्युनिटी टैब में आ जाना है। कम्युनिटी टैब में आने के बाद आप अपने ज्ञान, अगर आपके पास है तो मंदिरों को सर किसे कहा जाता है, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वेनेशन किस में होता है, आपके आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर आप अपने आके ज्ञान को कुछ बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो बस यही था, तो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, ना पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाना। थैंक यू।